आज हम लोग को पढ़ना है अभी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड, ये एक जोड़ा होता है। मनुष्य का जो किडनी होता है वन पेयर, उसके ऊपर पिरामिड के आकार का, ये पिरामिड सेपरेट होता है, ऊपर में ये चौड़ा होता है, नीचे की ओर पतला होता है। तो ये पिरामिड सेपरेट जो है होता है आपको एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के अपर रीजन में, दोनों किडनी के ऊपर सरफेस पर जो है, ऊपरी सरफेस पर पाया जाता है। यह जो है किडनी के ऊपर का एड्रिनल ग्लैंड जो है देखने में पीला लगता है, येलोइश कलर लगता है, और ये जो है आपको इसके दो भाग होते हैं हिस्टोलॉजिकली। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कॉर्टेक्स, देखिए यहां पर लिखे हैं, बाहरी जो भाग है ये जो देख रहे हैं कैप्सूल कहेंगे उसके, ऐसे इसके जो टिश्यू डिफरेंशिएशन वाली बात है, तो इसमें दो भाग होता है। आउटर जो भाग होता है आपको एड्रिनल ग्लैंड को, उसको कॉर्टेक्स कहेंगे बल्कू, और दूसरा जो इनर भाग है उसको हम मेडुला कहेंगे। तो देखिए ये जो चित्र है इसी को इनलार्ज किया गया है, एड्रिनल ग्लैंड का इनलार्ज भाग है। अब इसे देखिए, ये जो पोर्शन यहाँ देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है कैप्सूल का है, इसको हम कैप्सूल कहेंगे। पूरा बढ़िया बुक नहीं रहा और लाइट भी कम है, ये कैप्सूल है, इसको हम संपूट बोलेंगे या कैप्सूल बोलेंगे। ये कैप्सूल है, ये लेयर, सबसे बाहरी लेयर जो है बाहर की ओर होता है भित्ति, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के सबसे बाहरी जो परत है उसको कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल के नेल अंदर में दो स्तर होता है, एक स्तर होता है बाहरी स्तर जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी स्तर को मेडुला कहते हैं। देखिए यहां से यहां तक का जो भाग है, यहां से यहां तक ये है कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, ये जो है पीला लगेगा देखने में, इसको येलोइश कलर, ये पीला कलर होता है येलोइश कलर। तो ये कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है आउटर पोर्शन, वो कॉर्टेक्स का होता है, येलोइश होता है। इसकी जो एरिया है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, वो करीब करीब जो है 70-75% एरिया जो है वो कवर करता है, और अंदर का जो भाग है जिसको हम मेडुला कहते हैं, ये मेडुला जो होता है, वो 25-30% एरिया जो है ये कवर करता है, माने क्षेत्र इसका जो होता है कम होता है, कहने का मतलब ये होता है। और ये जो है रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का होता है मेडुला, और कॉर्टेक्स का भाग होता है येलोइश कलर का, येलोइश कलर। तो हम लोग जान गए हैं कि दो भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड में एक्चुअली, एक बाहरी भाग जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो भीतरी भाग उसको हम मेडुला कहते हैं। अब कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग, कॉर्टेक्स से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो उसके बारे में हमको जानना है कि कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन होता है। बड़ा अंधेरा हो गया,
रोसल को दिखाई देगा कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कॉर्टेक्स वाले भाग से तीन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका नाम है तीन हार्मोन स्रावित होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है यह जो है आपको हमारे शरीर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट तीनों को कंट्रोल करता है। दीज हार्मोन कंट्रोल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तीनों हार्मोन का जो है ये नियंत्रण जो है करता है। ये हार्मोन तीनों प्रकार के पोषक तत्वों का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में, और तीनों प्रकार के हार्मोन का जो है ये नियंत्रण करता है, यानी ये उपापचय क्रिया को संतुलित करने में नियंत्रित करने में मदद करता है। तीनों प्रकार के पोषक तत्वों के मात्रा को जो है ठीक रखता है ये हार्मोन। अब इसमें जो है आपको कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है हाइड्रो, इसी तरह बार बार लिखते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन कॉर्टिसोन। यह जो है जठर रस जो स्रावित होता है जठर ग्रंथियों के द्वारा उसके जठर रस के स्राव को कंट्रोल करता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये जो है आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंतर्गत जो है ये आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब जो है एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस का काम करता है। नोट कर लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ये जल संतुलन का काम करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और साथ में मिनरलो शब्द जो है इसका मतलब है मिनरल, लवण की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है हमारे शरीर के। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, इन सभी फॉस्फेट है, इन सभी को भी नियंत्रित करता है कंट्रोल करता है ये हार्मोन। तीसरा है सेक्स हार्मोन जो वास्तव में एंड्रोजेनिक होता है, जिससे यह लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। ज्यादातर ये एंड्रोजेनिक होता है, एस्ट्रोजेनिक जो है कम होता है। और साथ में जो है ये जल ये आपको जो है शरीर के अंदर जो है हड्डी के वृद्धि को भी कंट्रोल करता है। तो ये सेक्स हार्मोन जो वास्तव में एंड्रोजेनिक होता है ये हड्डियों की वृद्धि को भी ये जो है नियंत्रित करता है। हो गया ठीक है, अब नेक्स्ट डे जो है इसके शेष भाग पढ़ाएंगे।